गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? फाइन स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे साइक्लोन. हमने कल पढ़ा था, हमारा चैप्टर नंबर 8 था, विंड साइक्लोन एंड द स्टॉर्म, जिसमें कल हमने क्या पढ़ा था, थंडरस्टॉर्म्स के बारे में पढ़ा. साइक्लोन्स कैसे बनते हैं हमने ये पढ़ा, ठीक है. साइक्लोन्स की रेंज क्या होती है, कितनी लार्ज डिस्टेंस तक वो हमारे साइक्लोन्स क्या होते हैं, चलते हैं. आज आप साइक्लोन्स के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो, साइक्लोन्स के अंदर आप ये पढ़ने वाले हैं, साइक्लोन्स में आप जो पढ़ने वाले हैं आज, आप साइक्लोन्स, जैसे इंडिया होता है, इंडिया में आपने बोला उसको आप साइक्लोन्स देते हैं. काफ़ी ऐसे नाम भी होते हैं, जैसे इंडिया में ओडिशा के अंदर 2013 और 14 में साइक्लोन्स आए थे, उनको आपने नाम दिया था हुदहुद. मतलब अलग अलग साइक्लोन्स को आप अलग अलग नाम देते हो. इसी तरह से आपकी कंट्री है, सॉरी वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर आपकी काफ़ी अलग अलग पर्टिकुलर एरिया है, कोस्टल एरियाज भी काफ़ी हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे नाम दिए गए हैं कि इस कंट्री के साइक्लोन को आप ये नाम देते हो, इस कंट्री के साइक्लोन को आप इस तरह से नाम देते हो. तो मोस्टली आपके सिलेबस में 4 टाइप्स के साइक्लोन्स की बात करता है. क्या बात करता है, सबसे पहले यहाँ पे आप कहते हैं टाइप्स ऑफ द साइक्लोन. ओके, मोस्टली आपके साइक्लोन्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. अगर मैं बताने लगूँ तो आपको, कि अगर वैसे आप उनके नेचर के अकॉर्डिंग देखोगे तो क्या होता है आपका टेम्परेट साइक्लोन्स या सॉरी ट्रॉपिकल. बेटे दोनों ट्रॉपिकल और इसमें टेम्परेट साइक्लोन्स में डिफरेंस होता है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं आपके वो क्या होते हैं 5-10 डिग्री लैटिट्यूड्स पे आते हैं, बट जो आपके टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं वो 30-60 डिग्री बिल्कुल आपके मिडल में साइक्लोन्स चलते हैं. टेम्परेट साइक्लोन आपके लैंड में भी और वाटर में भी, पानी और धरती दोनों पे आपके मिलते हैं. ये आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपको ओनली एंड ओनली वाटर में मिलेंगे. कंडीशन क्या कहता है, वाटर बॉडीज भी क्या होनी चाहिए, बहुत लार्ज एरिया वाली, बहुत एक आप कह सकते हैं लार्ज बॉडी होनी चाहिए आपकी वाटर की. ये नहीं है कि आपके एक रिवर है या एक पूल है उसके अकॉर्डिंग, आपके बहुत जो आप कहते हैं ना ओशंस, बड़े बड़े ओशंस, वैसे आपके वाटर बॉडीज होनी चाहिए. तो जो ट्रॉपिकल, मैंने कल भी बताया था कि ट्रॉपिकल रेन साइक्लोन्स होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं. ये मोस्टली हमारे इंडिया के अंदर किस साइड आते हैं, ओडिशा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इस साइड आपके मोस्टली आपके क्या बोलते हैं आपको ये ट्रॉपिकल रेन साइक्लोन्स मिलते हैं. हैदराबाद हो गया वहाँ पे, ओके, आंध्र प्रदेश जो बोलते हैं आप, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, तो उसके ये हो गए आपके, इतना आपको जो करना है. अब आपके आते हैं कि इसमें नेमिंग के अकॉर्डिंग आप अलग अलग कंट्रीज होते हैं उनको अलग अलग नाम देती हैं. पहला क्या देती है, डिप्रेशन. साइक्लोन्स. सेकंड्स क्या देती है, हरिकेन्स. थर्ड कहता है टाइफून्स. फोर्थ कहता है टोर्नेडो. ठीक है, आपके इस तरह से क्या होते हैं, ये साइक्लोन्स होते हैं. तो सबसे पहले किसकी बात आती है, आपके डिप्रेशन साइक्लोन्स की बात आती है, या आप ये बोल सकते हो खाली डिप्रेशन. ठीक है, तो आपको इन चारों में सबसे पहले एक चीज जाननी है. क्या जाननी है, कि जो डिप्रेशन है, हरिकेन्स है, आपके टाइफून्स है, टोर्नेडोज, दो तरह के साइक्लोन्स है, एक तो टेम्परेट साइक्लोन, एक आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. तो चारों में कौन सा क्या क्या है, ठीक है. तो ये कहता है कि जो आपका डिप्रेशन होता है ये कैसा साइक्लोन, आपका टेम्परेट साइक्लोन है. कैसा साइक्लोन, आपका टेम्परेट साइक्लोन. हरिकेन्स आपको कैसा होता है, ट्रॉपिकल. टाइफून्स भी आपको क्या होता है, ट्रॉपिकल. और ये आपको क्या होता है, टोर्नेडोज, टेम्परेट. इतनी बात हो गई समझ में, कोई बड़ी बात नहीं है. अब आती है एरिया की. ये डिप्रेशंस जो साइक्लोन्स होते हैं मोस्टली किस एरिया में मिलते हैं आपको, यूरोप में. यूरोप के अंदर जो साइक्लोन्स आते हैं उनको आप क्या नाम देते हो, आप डिप्रेशंस नाम देते हो. इनकी इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, बहुत कम होती है. इनके अंदर जो हजार्ड्स होते हैं, जो नुकसान करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं सराउंडिंग में, वो बहुत कम नुकसान पहुंचाते हैं. इतनी इंटेंसिटी के नहीं आते, वीक होते हैं. इनसे इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, इतना ज़्यादा जो कहते हैं तबाही जो मचती है, डिस्ट्रक्शन आपका बहुत कम स्केल पे होता है. डिप्रेशन आपके वीक इंटेंसिटी के क्या होते हैं, आपके साइक्लोन्स होते हैं. आगे बात समझ में, इसमें जो आपकी हवा होती है साइक्लोन के साथ वो इतनी वॉयलेंट नहीं होती, इतनी तेज नहीं होती, बारिश भी आपकी धीरे आती है. ओके, तो ये क्या थे आपके, डिप्रेशन थे, और ये मोस्टली यूरोप रीजन्स में मिलते हैं आपको. हो गया इतना. उसके बाद आपको जो कहता है सेकंड, हरिकेन्स.
बेटा जो हरिकेन्स होता है ये आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है और ये बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी है। और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है मोस्टली, आपका ये कहाँ पे मिलता है आपको? गल्फ ऑफ मैक्सिको। कहाँ मिलता है आपको? गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरिबियन सी और पैसिफिक ओशन, इन जगह पे आपको ये देखने को मिलता है। मैंने पहले रीजन ना बता दिया आपको कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का मींस क्या है कि जो हवा चलेंगी, जो विंड्स होंगी वो क्या होंगी, बहुत वायलेंट होगी। और बहुत कहते हैं ना जो साइक्लोन्स का जो एक डिस्ट्रक्टिव रूप होता है, जो सबसे ज्यादा तबाही वाला मैक्सिमम, वो कहाँ होता है? हरिकेन्स में। ये कहाँ मिलता है आपको? गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरिबियन सी, पैसिफिक ओशन। यहाँ पे ये जनरेट होते हैं, ठीक है। इनके साथ जो हवा होती है बहुत वायलेंट होती है, बहुत हैवी रेनफॉल होता है और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं। ये किसकी बात थी? हरिकेन्स की थी। उसके बाद आता है टाइफून्स। तो टाइफून्स बेटा कैसे होते हैं? आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं और ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं बेटा? चाइना से। सो ये बोल सकते हैं आप जापान एंड चाइना सी, ठीक है। जापान और जो चाइना सी होता है यहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं, यहाँ से ये बनते हैं। और उन जो साइक्लोन्स जो बनते हैं उनको नाम क्या दिया गया है? ये टाइफून्स दिया गया है। इनका नेचर कैसा नेचर होता है? ट्रॉपिकल नेचर होता है। ओके, बार बार बताने की बात नहीं है, एक चीज ही बार बार हम रिपीट करते रहेंगे। ट्रॉपिकल का मीनिंग होता है कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन। उसके बाद आता है बेटा टोर्नेडोज। टोर्नेडोज आपके क्या होते हैं? टेम्परेट साइक्लोन होते हैं। ये लैंड पे भी मिलते हैं और आपको वाटर में मिलते हैं। देखो बेटा, अगर देसी भाषा में या शुद्ध हिंदी में मैं आपको एक बार समझाना चाहूँ, आपने देखा है कभी कि गर्मी, जब आपकी बहुत तेज गर्मी होती है, लू चलती है, तो आपने देखा होगा मिट्टी के सर्कल्स में बहुत हाइट के ऊपर मिट्टी ऊपर एकदम से उछलती है और वो रोटेट होती है, वो दूर तक डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जिसको काफी बच्चे बोलते हैं कि बबूलिया आ गया। ऐसे कुछ मैंने सुना है गाँव में, बोलते हैं कि बबूलिया आ गया। तो बबूलिया ना होके वो क्या होते हैं आपके? टोर्नेडोज होते हैं। क्या होते हैं आपके? वो टोर्नेडोज। वहां पे वो सैंड के टोर्नेडोज है, वाटर टोर्नेडोज नहीं है, वो क्या है? सैंड के। कि आपकी हवा की वजह से, कि पहले लो प्रेशर क्रिएट हुआ, फिर एकदम से स्ट्रॉन्ग विंड्स हुई, वो सर्कल में मूव करा के साइक्लोन का एक रूप ले लेते हैं, ठीक है। और एक काफी सर्टेन हाइट पे बहुत स्पीडली वो एयर क्या करती है? मूव करती है सैंड पार्टिकल्स के साथ सर्कल मोशन में। ऐसे मूव करती है कि अगर सर्कुलर मोशन में वहां पे उसके अंडर में कोई भी चीज आती है, वो उसी को अपने अंदर क्या करती रहती है? कवर करती रहती है और सर्कल में आगे डिस्टेंस तक मूव करती है। उसको क्या बोलते हैं आप? टोर्नेडोस बोलते हैं। जो आपको कहाँ दिखाई देता है? लैंड पे दिखाई देता है। अगर ये गलती से जो हवा जो आपकी जनरेट हुई थी लैंड पे, वो सी कोस्ट एरिया में आपके वहां पे समुद्र के किनारे को टच कर लेती है, तो वो वाटर को भी क्या करेगी? अपने साथ उछालेगी। तो जैसे आपके वाटर, ये कह सकते हैं ना आपके, जैसे आप ये बोल सकते हैं वाटर स्पोर्ट्स, वो क्या बन जाएंगे आपके? एक तरह से वाटर स्पोर्ट्स बन जाएंगे आपके, ठीक है। पानी आपको बिल्कुल ऐसे आपको घूमता हुआ दिखाई देगा, बहुत एक अच्छा सा फील होता है वहां पे। तो ये थे आपके टोर्नेडो। ये आपके फोर टाइप्स के क्या थे? साइक्लोन्स थे। आपने देखा कि लाइफ में साइक्लोन्स का क्या रोल है? कोई अच्छा काम तो ये करते नहीं है कि हम ये कहें कि हमें बर्फी देते हैं, कुछ और करते हैं, ये कोई अच्छा काम नहीं करते हैं। क्या करते हैं? हमें नुकसान ही पहुंचा रहे, कोई कम पहुंचाते हैं, कोई हमें क्या करते हैं? ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इतनी बात है। तो इसलिए आप इसे ये क्या कहता है कि जो साइक्लोन्स होते हैं उनके आपने डिस्ट्रक्शन तो कल पढ़ ली थी कि तबाही क्या क्या मचाते हैं ये हमारी लाइफ के अंदर। अब हर चीज को अगर मैं ये कह देती हूँ कि ये बच्चे, मेरी 7th क्लास के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, बेटा जब तक आप एफर्ट्स नहीं करेंगे, मैं अगर एफर्ट नहीं करूंगी आपको पढ़ाने के, तो आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आपको याद हो आपकी फर्स्ट डे लाइव क्लास हुई थी, आपकी क्लास में 2-3 स्टूडेंट्स जुड़े होते थे, आज के दिन आपकी स्ट्रेंथ 10-15 ऐसे जाती है। होमवर्क स्टूडेंट्स का आता है, टेस्ट करते हो, तो ये किसके एफर्ट्स है? टीचर्स के एफर्ट्स है। आपको मोटिवेट कर रहे हो, आपको अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं कि बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा, विदाउट स्टडी कुछ नहीं होता लाइफ में, ठीक है। स्टडी आपका एक मेन इंपॉर्टेंट रोल है कि जिससे आप अपनी अच्छी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो साइक्लोन्स होते हैं उनके आपने नुकसान तो बार बार पढ़ लिए, बट अगर उनसे आपको बचना भी तो है। एक वो जो कहते हैं ना कि ह्यूमन बींग आपका क्या है? एनिमल ही है, बट आपका जो काउ होती है और ह्यूमन बींग में डिफरेंस क्या होता है? वो अपना ब्रेन का यूज नहीं करते। ह्यूमन बींग किसका यूज करते हैं? ब्रेन का यूज करते हैं, ठीक है। एक कहते हैं ना वाइज एनिमल, एक बुद्धिमान आपका जीव है ह्यूमन बींग। तो मुसीबत तो सबकी लाइफ में आती रहती है, उसका सोल्यूशन निकालो ना। तो क्या होता है? साइंटिस्ट बनते हैं, अलग अलग इन्वेंशन होते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी आती है। तो उस तरह से ये बात करते हैं कि जो आपने एफर्ट्स किए हैं किसके लिए? साइक्लोन से बचने के लिए आपको उनकी बातें करनी है,
ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स। बेटा आपको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स करने होंगे, देखो मैं और किसी का एग्जांपल नहीं, मैं और आपका, आपका और मेरा एग्जांपल लेते हैं, क्यों दुनिया को बोले हम। आप क्या है, स्टूडेंट्स है, मैं क्या हूँ, टीचर हूँ। हमें क्या करना होता है, अगर हमें अपनी एक स्टडी, अगर कोई टॉपिक हार्ड है उसको, वैसे मैं कहती हूँ लाइफ में कुछ हार्ड नहीं होता, बट फिर भी आपको कुछ लगता है कुछ हार्ड है, तो याद आपको कैसे हो सकता है, समझ में कैसे आ सकता है, जब दोनों साइड से एफर्ट्स होते हैं, टीचर आपको अच्छे से पढ़ाएगा, स्टूडेंट उसको अच्छे से समझेगा, तो काम तो किसको करना पड़ेगा, दोनों को काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से साइक्लोन्स तो आपके क्या, एक नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है, करना कैसे पड़ेगा, गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट को वर्क करना पड़ेगा आपके लिए, और आपको भी गवर्नमेंट का साथ देना पड़ेगा। ठीक है, हमें गवर्नमेंट का साथ देना पड़ेगा, गवर्नमेंट हमारा साथ देगी तो हम मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं, अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको रोज वीडियो बना के सेंड कर देती हूँ, आपके व्यूज नहीं होते 15 व्यूज से ऊपर, 20 व्यूज से ऊपर, आपकी क्लास में स्ट्रेंथ है 40 की, तो वो क्या है, एफर्ट मैंने तो कर दी अपनी साइड से, मैंने वीडियो बना दी, लाइव क्लास ले ली, बट आपने उसको नहीं यूज किया, यूटिलाइज नहीं किया, तो वो बात क्या होती है, वो काम सक्सेसफुल नहीं होंगे, एक साइड से काम सक्सेसफुल नहीं होते, जब दोनों साइड से पैरेलल में आपका कोई काम किया जाता है तो वो सक्सेसफुल होता है। अगर साइक्लोन्स आते हैं तो गवर्नमेंट आपको जो इंस्ट्रक्शंस देती है, अगर आप उनको फॉलो करेंगे, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देती है, आप उनको फॉलो करोगे तो आप साइक्लोन से सेफ रह पाओगे, अदरवाइज यू विल बी फिनिश, आप खत्म हो जाएंगे। तो अब आपके जो एफर्ट्स होते हैं, एक्सेसिव सेफ्टी आपके क्या होते हैं मेजर्स, दो लोग करते हैं, एक तो गवर्नमेंट और एक बाय द पीपल, बाय द गवर्नमेंट एंड द बाय द पीपल। गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए, क्या काम करती है, देखो मैं ये लिखूंगी नहीं, आपको नोट्स में मिल जाएंगे, कोई कुछ नहीं कराना आपको लिखने का काम, अब आपको सिर्फ क्या करना है, समझने का काम करना है, कहानी बताएंगे आपको, वो सुनना मेरी। तो बच्चा आपकी बात कह रहा था ये कि आपको इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स में गवर्नमेंट जॉब के लिए काम करती है, गवर्नमेंट का काम क्या है भाई, आपके पास तो साइंटिस्ट है नहीं, गवर्नमेंट के पास क्या होता है, साइंटिस्ट होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, वेदर रिपोर्टिंग करते हैं वो, ठीक है, मेट्रोलॉजिस्ट वगैरह आपने पढ़े हैं, तो आपके सिस्टम में आपको पहले जो कम्युनिकेशन होता है, ये बोल सकते हो आपकी फोरकास्टिंग, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग, आपके साइक्लोन्स को लेके जो भविष्यवाणियां बोलते हो आप, कि कुछ टाइम पहले आपको अनाउंस कर दें कि हाँ साइक्लोन्स आने वाला है 24 आवर्स में, 48 आवर्स में, तो वो तो क्या हुआ उनका पहला केस, कि उन्होंने आपको अवेयर किया, अवेयर किया किसके लिए, साइक्लोन के लिए। अब आपकी हेल्प करने का काम क्या है, जो बाय द मैन करेंगे, आपका काम क्या है, वो आपको कम्युनिकेट करते हैं थ्रू द टीवी, रेडियो, किसी भी तरह से, तो आप जिस एरिया में रहते हैं, अगर मैं कोस्टल एरिया में रहती हूँ तो मुझे वहाँ पे न्यूज़ सुननी चाहिए, ठीक है, अपने रेडियो वगैरह मुझे ऑन रखने होते हैं, उन्होंने मुझे कम्युनिकेट किया कि आपके एरिया के अंदर साइक्लोन 28 आवर्स में आने वाला है, ठीक है, तो आपका काम क्या है, उसको कम्युनिकेशन को टाइम पे सुनना और उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेना, आपको वहां से मूव कर जाना है, जो भी गवर्नमेंट आपको इंस्ट्रक्शन देती है उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे फॉलो करना होता है। हो गया ये काम गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को क्या चाहिए बेटा, हर आधे घंटे में, एक घंटे में वहां पे लोगों की, उनको कम्युनिकेट, उनसे बातचीत करते रहना चाहिए, ठीक है, वो अपनी सैटेलाइट्स के अकॉर्डिंग जो बातें होती है वो बताएं, और वहां के लोगों को जो देखते हैं वो अपने डेली लाइफ में, वहाँ पे जो अगर वो कुछ और चेंजमेंट आते हैं तो वो अपनी गवर्नमेंट को बता सके, तो कम्युनिकेशन सिस्टम वहाँ पे क्या होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड क्या कहता है, अगर गवर्नमेंट ये कह देती है साइक्लोन आने वाला है आपको इस जगह से मूव करना है, तो गवर्नमेंट को प्रॉपर उनको व्हीकल्स प्रोवाइड करने चाहिए, और पीपल्स का काम क्या, आपको सपोर्ट करना चाहिए, अपना सामान पैक करो और चलो, ठीक है, ये काम किसका होता है आपका, गवर्नमेंट, और इसके अकॉर्डिंग आपकी बात हो गई। फिर उसके बाद आपको बेटा ये कह रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन होती है गवर्नमेंट का, अगर साइक्लोन आ गया, साइक्लोन अफेक्टेड एरियाज के अंदर जो घर वगैरह जो टूट जाते हैं, गवर्नमेंट का काम क्या होता है, उनको सपोर्ट करें, उनके घर वगैरह आप कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह बना के दें साइक्लोन प्रोन एरियाज। इतना हो गया। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, उनका काम होता है कि सबसे पहले साइक्लोन का पता चलता है, न्यूज टाइम टू टाइम देखें, सेकेंड एक सेफ प्लेस पे मूव कर जाएं, अपने साथ अपने जो नेसेसरी थिंग्स होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेडिसिन होती है, खाने पीने का जो भी सामान होता है, अपना सारा का सारा सामान अपने साथ लेके जाए। वो क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स के एफर्ट्स होते हैं जो उनको साइक्लोन के ड्यूरिंग आपको करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कह रहे हैं कि जो आपकी कोऑपरेट गवर्नमेंट का आपको क्या करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, और उसके बाद आपको
कहते हैं कि जैसे रेस्क्यू टीम आती है, आर्मी टीम आती है, एनजीओ टीम आती है साइक्लोन आने के बाद, वो उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको कोऑपरेट करना चाहिए, ये नहीं है कि उनके अपोज में जाके खड़ा होना चाहिए। ये क्या थे आपके साइक्लोन्स के। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, वो कहता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी की क्या हेल्प हुई आपके साइक्लोन से बचने में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टॉपिक कहता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी, कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है उसने आपकी क्या मदद की है, क्या उसने आपकी हेल्प की है। एडवांस टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हो बेटा, यही समझ रहे हो कि जो आप कह रहे थे फोरकास्टिंग कर दो, वेदर फोरकास्टिंग कर दो, पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था, पहले ऐसे सैटेलाइट्स वगैरह कुछ थे नहीं, ऐसा आई साइक्लोन्स आने के बाद ही पता चलता था, जब लोग मर जाते थे कि साइक्लोन आ चुका है। अब क्या हो चुका है, कोई भी आपके नेचुरल डिजास्टर होते हैं उसको, कोई भी आपकी सडनली कोई भी ऐसा इवेंट होने वाला होता है जिससे लोगों को डेथ हो सकती है, कोई भी आपकी इंजरी हो सकती है, तो आपको क्या पता चल जाता है 48 आवर्स, एटलीस्ट 48 आवर्स या मोस्टली 24 आवर्स पहले तो आपको पता चले जाता है कि ये चीज़ आने वाली है, पहली बात। सेकंड, इतनी फैसिलिटी हो चुकी है आपके पास, हेलीकॉप्टर्स हो गए, एरोप्लेन्स हो गए, बसेस हो गई, कार्स हो गई, इतने आपके ट्रांसपोर्ट के सिस्टम हो गए कि आप सडनली मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। ठीक है, ये क्या थे आपके टेक्नोलॉजी के एफर्ट से। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंडिया के अंदर ना 1990 में एक साइक्लोन आया था, तो उस टाइम के ऊपर कोई फोरकास्टिंग वगैरह नहीं हुई थी, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वहां पे 10,000 लोगों की डेथ हो गई थी। ठीक है, और फिर ओडिशा के अंदर 2013 में और 2014 में साइक्लोन्स आए, आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी, आपको पहले से पता लग गया, कम से कम आपने 5,00,000 लोग थे वहाँ पे, उनको क्या कर दिया, माइग्रेट कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह पे सेफ प्लेस पे आप ले गए। वहाँ पे आपके 30,000 से ज़्यादा आपको एनिमल्स की 3,000 से ज़्यादा आपके एनिमल्स के हो गए डेथ होने से बच गए। ठीक है, एनिमल्स की डेथ बच गई, उनको भी क्या किया सेफ प्लेस पे मूव करा दिया। ये क्या थे आपके एडवांस टेक्नोलॉजी के एफर्ट्स थे जो आप करते रहे। इंडिया है आपकी, इंडिया के अंदर आपके क्या है 6 आपको क्या बनाए गए हैं साइक्लोन सेंटर्स बनाए गए हैं, जो क्या बताते हैं अगर कहीं से भी कुछ भी मूवमेंट होने वाला होता है कि हाँ साइक्लोन आने वाला है, तो उसके लिए जबकि तब आपको बता देते हैं उन जगह का आपका नाम क्या है यहाँ पे, कि सबसे पहले कह रहे हैं आपको कोलकाता, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, चेन्नई, मुंबई और अहमदाबाद। आपका क्या था यहाँ पे, ओडिशा था, विशाखापट्टनम, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, इस तरह से आपके 6 रीजन्स आपके सेंटर्स बनाए गए हैं, हॉटस्पॉट्स जो बोल सकते हो, जो आपको क्या बताते हैं साइक्लोन से रिलेटेड आपको सारी न्यूज़ अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से गवर्नमेंट ने भी काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, अब कहते ना कि इंसान सबसे डेंजरस एनिमल है क्योंकि उसके पास इतने वेपन्स है, इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी है कि वो किसी भी चीज़ का सोल्यूशन कर सकता है। ठीक है, एक बार प्रॉब्लम से फेस करने के बाद उसका वो सोल्यूशन ढूंढने लग जाता है। ओके, आपको ये काम करना है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको राइट कर देने हैं, लर्न कर देने हैं। बेटा मैं आपको फिर कहती हूँ, अगर आप वीडियो नहीं देखते, वीडियो किसी भी रीजन से आप स्किप कर देते हैं, तो वो आपकी सबसे बड़ी लापरवाही है, क्योंकि वीडियो के बिना आपको चैप्टर नहीं आएगा। जितना एक्सप्लेन यहाँ पे किया जा रहा है ना, आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं पे भी आप किसी भी ऐप पे चले जाना, कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको आपकी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, जैसे भी आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया जा रहा है और आपको सब कुछ बताया जा रहा है। मैं ये कहती हूँ कि अगर मेरी वीडियो अगर आप ध्यान से देख लेते हैं, तो आपको डेफिनेशंस वगैरह बहुत कम ऐसे होते हैं कि एक बार रीड करने की नीड होती है, नहीं तो मोस्टली चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आप लाइव क्लास में बेटा सारे, मैं जो इतनी कोशिश कर रही हूँ आपको पढ़ाने की, तो आपको भी इतना मेरा एफर्ट करना है, नहीं तो हम भी कहते ना साइक्लोन वाले डिजास्टर में हम भी ऐसे हो जाएंगे, हमारा भी काम खराब हो जाएगा। ओके, जब मैं पढ़ाऊंगी आप पढ़ोगे नहीं, तो फायदा क्या उस चीज का, हार जाएंगे हम। अगर हमें जीतना है, अपनी लाइफ को सर्वाइव अच्छे से करना है, तो दोनों साइड से आपको सपोर्ट करना होगा। ओके?